गुल, पहले हम बात करेंगे आपके किरदार के बारे में धूप फिल्म में. आप किसका रोल निभा रही हैं? इस फिल्म में मैं पीहू का किरदार निभा रही हूँ. ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके मंगेतर फियांसे कारगिल में शहीद हो जाते हैं, एंड शी डिसाइड्स कि अब मैं एक विधवा का रूप धारण करके विधवा ही रहूँगी, मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी. शी इवन गोज़ टू द एक्सटेंट ऑफ गेटिंग हिज नेम टैटूड ऑन हर रिस्ट, विच इज़ अ ट्रू स्टोरी. धूप इज़ इंस्पायर्ड बाय अ ट्रू स्टोरी. सो दिस इज़ द रोल ऑफ अ गर्ल हुज her world just shatters overnight in a minute. I mean, here everything was predictable. The boy was her childhood sweetheart. She was a very predictable life ki wo shaadi karegi, fauj mein jayegi, fauji life enjoy karegi as an army officer's wife, and one fine day it all changes overnight, in a minute, in a split second. And then how she copes with it, and for everybody in the family it's a big jolt. Everybody has no direction left in their lives. And it's at that point that she decides कि अब मैं इसकी विधवा बनकर ही रहूँगी और मैं उस लड़के के पेरेंट्स के साथ रहूँगी, क्योंकि ही वॉज देयर ओनली सन एंड आई मस्ट बी अ सोर्स ऑफ सपोर्ट फॉर देम. एंड एज टाइम गोज ऑन देर इज़ टॉक ऑफ मेकिंग अ मेमोरियल फॉर द बॉय, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ पेट्रोल पम्प. सो वी ऑल गो अराउंड ट्राइंग टू गेट इट वर्किंग, और फिर चलता है पता कि किस तरीके से, किस हद तक करप्शन है हमारी सरकार में. इनफैक्ट जब मैंने पहले ये स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई एज एन इंडियन सिटीजन, एज अ पर्सन हु वोट्स एंड पेज टैक्स फॉर दिस सिस्टम ऑफ आर्स. अक्सर उससे उसकी प्राप्ति में, उसकी उसे पूरा करते हुए बहुत लोगों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है. और जहाँ तक रही बात करप्शन इन जनरल की, वेल इट्स ऑल ओवर द प्लेस. दिस फैमिली डिसाइड्स आफ्टर दे गेट न्यूज़ ऑफ the death of their son, this girl decides ki ab main ek vidwa ke roop mein hi rahungi aur is parivar ka sahara ban ke rahungi.